जय हिंद साथियों, वेलकम टू सुपर स्काई क्लासेस। आज आपके लिए मैं बताने वाला हूं, यहां पे जैसे आपको पता होगा कि आज जो बीएसएफ की वैकेंसी आपकी आई हुई है एचसीएम एंड एएसआई की, जिसमें 1500 प्लस आपकी पोस्टें हैं, यहां पे सबसे ज्यादा मोस्ट जो कंफ्यूजन सब्जेक्ट रहता है वो आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड रहता है। पिछली बार भी आपका बहुत ही ज्यादा मोस्टली जो कन्फ्यूज वाला सब्जेक्ट रहा था वो यही रहा था। यहां से मैंने पिछली बार भी इस प्लेटफॉर्म से, सुपर स्काई के प्लेटफॉर्म से, आपके लिए बिल्कुल सटीक पेपर बताया था कि क्लरिकल एप्टीट्यूड में एक्चुअल में आने क्या वाला है, वही एग्जाम में भी आया था। और आज मैं फिर आपको बताने वाला हूं, जिन बच्चों के लिए नहीं पता है कि क्लरिकल एप्टीट्यूड में क्या आता है, उसके लिए मैं यहां पे एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा बता दूंगा। यहां पे मैं पेपर भी दिखाऊंगा कि किस टाइप का आपका जो पेपर होता है क्लरिकल एप्टीट्यूड के पोर्शन से आपका आता है, जो कि आपकी 20 नंबर की रहती है। यहां पे हम देखेंगे कि क्लरिकल एप्टीट्यूड क्या है। देखो, ये चीज दो नामों से मिल जाती है, एक आपके नाम से मिलती है जनरल एप्टीट्यूड और एक दूसरी मिलती है क्लरिकल एप्टीट्यूड, लगभग दोनों चीजें सेम हैं। यही अगर सीआरपीएफ के पेपर में आपसे पूछा जाएगा तो जनरल एप्टीट्यूड के नाम से दे देंगे, और यहां बीएसएफ के पेपर में आपसे इसे क्लरिकल एप्टीट्यूड के नाम से पूछा गया है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं यहां पे जो आपका होता है क्या नाम, क्लरिकल एप्टीट्यूड के अलावा जैसे डिपार्टमेंटल जॉब के लिए होता है, तो डिपार्टमेंटल जो पेपर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें क्लरिकल एप्टीट्यूड क्या है, इसमें कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, तो मैं आपके लिए दिखाता हूँ बहुत इत्मीनान से। और एक बात और ध्यान से सुन लेना कि सुपर स्काई क्लासेस पर आपका बीएसएफ के सारे जो क्लासेस हैं प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी हैं। क्लरिकल एप्टीट्यूड के मैं मॉक टेस्ट पेपर आपके लिए आपके सुपर स्काई क्लासेस पर देना स्टार्ट कर दूंगा। तो अगर आप बीएसएफ के किसी भी जो है पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो यहां पे मैं दिखाना स्टार्ट करूंगा कि किस टाइप का आपका जो है यहां से सिलेबस आएगा, और उसके बाद में आपको यह दिखाऊंगा कि आपका जो पेपर है वो किस टाइप का आपको मिलने वाला है। तो जो आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड है उसमें क्या क्या आएगा, अल्फाबेटिक जो अल्फाबेट फिलिंग आएगी वो आएगी। अल्फाबेट फिलिंग क्या होती है, अल्फाबेट नंबर्स दे रखे होंगे आपके लिए, अभी मैं पेपर दिखाऊंगा आपके लिए, ये आपके टॉपिक हैं, अल्फाबेट फिलिंग हो जाएगी और अटेंशन टू डिटेल हो जाएगा, डेटा चेकिंग हो जाएगा और आपका कंप्रिहेंशन एबिलिटी हो जाएगा, स्पेलिंग चेकिंग हो जाएगा, एरर स्पॉटिंग हो जाएगा एंड मिसलेनियस इशू हो जाएंगे। क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, हम लोग इसे ध्यान से देखते हैं। अगर मैंने ये चीजें बता दी आपको, ये समझ में ना आई हो, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा लेके चलता हूँ इसके पेपर पे, तो आपके लिए बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी पीडीएफ जो है वो आपके यहाँ पे इस चैनल के लिए इस जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे आपके लिए एक व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको ये सारी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका पेपर जो है वो कैसा होता है, तो पेपर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो पेपर है वो किस टाइप का आपके लिए देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो पेपर पे हम लोग बात करते हैं, पहले यहाँ पे देखना स्टार्ट करेंगे कि इसका जो पेपर होता है वो किस टाइप का होता है। देखो भाई, जो मैंने बताई थी आपके लिए यहाँ पे, इन द क्वेश्चन सब नंबर्स आर, ये नंबर वाला सिस्टम होगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ 8, 3, 4, 5 के लिए क्या लिखा जाएगा, जैसे 8 का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मिसिंग नंबर्स वाला सिस्टम होगा। इस टाइप की आपकी क्लरिकल एप्टीट्यूड होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, ये को रेफरेंस दे रखा है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 8, 3, 4, 5 दे रखा है, तो 8 के नीचे क्या है, ए है, तो ए आ जाएगा। 3 के नीचे क्या है, आर है, तो आर आ जाएगा। 4 के नीचे क्या है, आई है, तो आई आ जाएगा। 5 के नीचे क्या है, ओ है, तो ओ आ जाएगा। ए आर आई ओ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है इस टाइप की आपकी जो नंबर्स मिसिंग वाले सिस्टम होंगे वो आपका आएगा। अगला देखना स्टार्ट करेंगे, अगला आप देखेंगे थोड़ी सी रीजनिंग के भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, हालांकि रीजनिंग आपकी बिल्कुल अलग भी आएगी और इसमें भी इंक्लूडेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ये वाले आएंगे आपके अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, डायरेक्शन रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड टिक द मार्क चॉइस 1, 2, 3, 4 विच इज करेक्ट लाइक। यहाँ पे आपको ये दे रखा है आपके लिए, ये एड्रेस चेकिंग वाला होता है जैसे मैंने बताया था, तो इसमें एड्रेस चेकिंग करना पड़ता है आपके लिए कि कौन सा एड्रेस बिल्कुल एक्यूरेट इस वाले एड्रेस के बिहाब पे दे रखा है। ठीक है, एड्रेस चेकिंग के बाद में हम बात कर लेते हैं आपके लिए यहाँ पे थोड़ी सी कंप्यूटर भी आएगी 5 नंबर की, तो कंप्यूटर भी आपको देखनी पड़ेगी, कंप्यूटर मैं ही आपको पढ़ा दूंगा यहाँ पे। अगली बात आ जाती है एड्रेस चेकिंग के अलावा आपकी स्पेलिंग्स में,
कॉपी पेस्ट वाले आते हैं कि कॉपी पेस्ट में आपके लिए क्या मिस्टेक है, वो मिस्टेक आपको एरर स्पॉटिंग वाला, उसमें ये एरर आपको ढूंढनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद में आपके लिए आएगी भाई स्पेलिंग मिस्टेक भी आएंगी, स्पेलिंग मिस्टेक भी आती हैं, नंबर सीरीज से चीजें आ जाएंगी थोड़ी सी, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक की आएंगी चीजें, कोडिंग रिकॉर्डिंग मतलब रीजनिंग तो आपकी आएगी ही, जो कि 20 नंबर की आपके लिए डिट्टो अलग दे रखी है। लेकिन क्लर्कल एप्टीट्यूड में जो मैंने इसके अलावा क्वेश्चन बताए थे वो मोस्टली आपको देखने को मिल जाएंगे, और वो आपके लिए यहाँ सुपर स्काई क्लासेस पर प्रतिदिन कराए जाएंगे, तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आज ही अपना सुपर स्काई क्लासेस के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।